नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बलिया सियालदह एक्सप्रेस, जिसमें श्रीकांत सिंह की मौत के 15 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके बेटे को अभी तक नहीं मिली है। 3 मई से लेकर 12 मई तक रवि सिंह की मदद का भरोसा दिलाने के बाद अब डीआरएम आसनसोल ने कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है। श्रीकांत सिंह के बेटे रवि सिंह का यह आरोप है कि जब वो आसनसोल में अपने पिता का शव लेने के लिए गए तो उनसे 5,000 रुपए मांगे गए थे और काफी कोशिशों के बाद हावड़ा में केस दर्ज हुआ। बलिया से सियालदह जाने के दौरान ट्रेन में श्रीकांत सिंह की 27 अप्रैल को मौत हो गई थी। रवि सिंह का यह आरोप है कि उन्हें रेलवे की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। काफी कोशिश के बाद हावड़ा में केस दर्ज करा पाए। आसनसोल में ही रवि सिंह को अपने पिता श्रीकांत सिंह का अंतिम संस्कार भी करना पड़ा। सिलसिलेवार तरीके से आपको ये भी जानकारी हम दे देते हैं कि ट्विटर पर रवि सिंह, जो कि श्रीकांत के बेटे हैं, वो अपनी बात रेल मिनिस्ट्री से लेके हर तरफ रखते हुए, डीआरएम आसनसोल हो चाहे डीआरएम दानापुर हो, उनसे हर किसी से वो अपनी दरख्वास्त रखते आ रहे हैं कि वो इस मैटर को देखें, इसमें कोई एक्शन उनकी तरफ से लिया जाए। जिसमें 3 तारीख को उन्होंने ये जानकारी रेलवे मिनिस्ट्री को दी, सुरेश प्रभु को बाकायदा उन्होंने टैग किया और उन्होंने ये कहा कि उनकी मर्जी के बगैर, किसी भी तरह से फैमिली कंसेंट लिए बगैर, उनके पिता के शव को आसनसोल में छोड़ दिया गया। वो चेन्नई से आए हैं अटेंड करने के लिए, ये बात उनकी तरफ से की गई। और उसके बाद फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये कहा गया, जिसमें उन्होंने डीआरएम दानापुर को और डीआरएम आसनसोल को इसमें टैग करते हुए ये लिखा कि इस मैटर में आप देखें, यानी कि इसमें फौरन कोई एक्शन लिया जाए। उसके बाद रवि ने फिर थैंक यू उसके लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आसनसोल हॉस्पिटल में उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई, 5,000 रुपए उनसे मांगे गए। इसके साथ कई और बातें उनके ट्विटर हैंडल पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि मृतक श्रीकांत के बेटे हैं। रवि, लगातार हम ये देख रहे हैं कि रेलवे की तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैया, बार बार आपके कहने पर कि इस मैटर को देखा जाए, उनकी मदद की जाए। आपको लगता है कि अब भी ये कहना कि वो पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सके, अभी भी वही गैर जिम्मेदाराना रवैया, कोई भी अपनी इसमें आगे आकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको ऐसा लगता है? जी, ये तो बिल्कुल मजाकिया सिचुएशन है कि एक इंसान की डेथ हो रही है ट्रेन में, ऑन जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, और मुझे रिस्पांस आ रहा है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊं। ये एक वैसा रवैया है कि अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप किसी और के पास जाइए, और वो फिर किसी और के पास भेजेंगे और किसी और के पास भेजेंगे, और जिस जस्टिस की हम बात कर रहे हैं वो शायद कभी नहीं आएगा। रवि, आपकी तरफ से लगातार बातचीत की गई, क्या बीच में कोई भी रिस्पांस? हम जो तारीखें देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं एक लंबा गैप है, और आप लगातार आप रिपोर्ट यहाँ पर दे रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आपका जो आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो वहाँ पर जिस तरह की रवैया आपके लिए अपनाया गया वो बेहद शर्मनाक था, शेमलेस था, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हम लगातार देख रहे हैं कोई भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके बाद ये कहता है कि आप सिविल अथॉरिटी से संपर्क कर लीजिए, यानी कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। लेकिन शुरुआत से लेके, टीटी से लेके, आप चाहे जीआरपी की बात कीजिए, आरपीएफ की बात कीजिए, हर कोई इस मामले को नजरअंदाज करता रहा। बिल्कुल, और तो और मतलब हमारे कहने के बाद भी कि ऐसी हालात हैं, किसी ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं ली कि वो हमें बात कर सके या हमें कांटेक्ट कर सके, कोई रेलवे से आके बोले कि हाँ हम इस केस को फॉलो अप कर रहे हैं या फिर हमने इन अथॉरिटीज से बात की है, कुछ भी नहीं। अब जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये चीजें इनमें टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन शायद 1 घंटे 2 घंटे में ना हो, बट मैं जब उनको पिछले 10 दिनों से ट्वीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर जिसने इस पूरे इंसिडेंट को अपनी आंखों के सामने देखा है, और मेरी वाइफ लोग स्टेशन पे जाके 3 घंटे स्ट्रगल कर चुके हैं एक सिंपल कंप्लेंट फाइल करने के लिए कि ये ऐसी सिचुएशन हुई तो हमें फाइल करना है, उसके लिए उन्हें 3 घंटे यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ रहा है। एक इंसान ने भी अब तक स्टेशन से फोन करके हमें ये नहीं कहा कि हाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। इतने दिनों के बाद भी 27 तारीख को डेथ हुई थी, आज ये 12 तारीख हो चुके, 15 दिन बीत गए, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं आई है, और मतलब कुछ ऐसा कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं कि हमें बताया जाए कि हो क्या रहा है। इतने दिनों से कुछ पद से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत के बेटे जिनकी मौत हुई रेलवे के भीतर, मेडिकल सुविधा उन तक नहीं पहुंची, वक्त रहते बार बार मदद की गुहार लगाते ये रहे, 12 स्टेशन गुजर गए, सुबह से शाम का वक्त हो गया, घर वाले मदद के लिए बोलते रहे, रेलगाड़ी में एक यात्री तड़पता रहा लेकिन कोई भी इलाज उन तक नहीं पहुंचा और डॉक्टर के आने से पहले श्रीकांत की मौत हो गई। कोलकाता के रहने वाले श्रीकांत सिंह भारत के करोड़ों यात्रियों की तरह ट्रेन में सफर कर रहे थे लेकिन यात्रियों के सुखद और मंगलमय यात्रा का रेलवे का अनाउंसमेंट यहां पर झूठा और खोखला साबित हुआ और इलाज की जगह उन्हें मौत मिली। श्रीकांत सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ 27 अप्रैल की सुबह यूपी के बलिया स्टेशन से कोलकाता के लिए निकले। बलिया सियालदा एक्सप्रेस 27 अप्रैल को सुबह 8:55 पर बलिया से चल पड़ी। श्रीकांत सिंह बलिया में बिल्कुल ठीक थे। एक शादी समारोह से लौटते वक्त जब इस परिवार को एसी क्लास में टिकट नहीं मिला तो कोलकाता के लिए इन्होंने स्लीपर बोगी में टिकट ले लिया। श्रीकांत सिंह ट्रेन में बेचैनी महसूस कर रहे थे, उन्हें चक्कर आ रहा था। बेटी मधु ने टीटी से मदद मांगी। ने मेरी एकदम बात नहीं सुनी, इनफैक्ट उसने मेरी बात को केयर तक नहीं किया जब मैं बोल रही हूँ तो, और वो यही तक नहीं हुआ कि वो मेरे साथ आए। मैं एसी तक गई थी, वो आए और देखे कि ये के पापा कौन है, कैसे हैं, क्या हुआ है, वो देखने तक नहीं आया। ट्रेन में मौजूद बाकी यात्रियों ने श्रीकांत सिंह के घर वालों को अपनी समझ के मुताबिक सलाह दी। किसी ने कहा कि शुगर लेवल कम हो गया है, किसी ने पानी देने को कहा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। दोपहर 12:30 पर बलिया सियालदा एक्सप्रेस हाजीपुर पहुंची। श्रीकांत सिंह की तबीयत इसके पहले ही बिगड़ने लगी थी लेकिन हाजीपुर स्टेशन पहुंचते पहुंचते ऐसा लगने लगा कि उनकी हालत बेहतर होने की बजाय बिगड़ रही है। श्रीकांत सिंह के घर वालों की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लगातार दौड़ती ट्रेन और मदद की दूर दूर तक उम्मीद नहीं। इस बीच एक नया टीटी आया, उसने कहा कि आप रेलवे के इमरजेंसी नंबर पर ट्राई कीजिए। मुझे बोल रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप एक नंबर लीजिए 131, इस पर कॉल करिए, तुरंत आपको इमरजेंसी नंबर है, तुरंत आपको हेल्प मिलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं एक कॉल कर रही हूँ, उधर से एक रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कितनी बार करूँ, करते गई 50 बार किया होगा मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पिक करने वाला नहीं। श्रीकांत सिंह की बेटी मधु से बलिया सियालदा ट्रेन के टीटी ने कहा था कि क्यूल स्टेशन पर उन्हें डॉक्टर मिलेगा। क्यूल एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ आने जाने वाले ट्रेनों के ठहराव का समय भी ज़्यादा है। ट्रेन के रुकते ही श्रीकांत सिंह और उसके परिवार वालों के अलावा दूसरे यात्री भी इधर उधर भाग दौड़ करने लगे ताकि किसी तरह डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। ट्रेन जब क्यूल से भी बिना किसी डॉक्टर को लिए निकल गई तो घर वालों की उम्मीद टूटने लगी। इसके बावजूद उस बात का अंदेशा नहीं था जो झाझा स्टेशन में होने वाला था। शाम 6 से 7 के बीच बिहार का झाझा स्टेशन आया। श्रीकांत सिंह की तकलीफ काफ़ी बढ़ चुकी थी लेकिन वे बीच बीच में अपनी पत्नी और बेटी से बात कर रहे थे। घर वाले लगातार उन्हें ये कह रहे थे कि बस थोड़ी देर की बात है, हिम्मत बनाए रखिए, झाझा में डॉक्टर जरूर आएगा। हाजीपुर से 12 स्टेशन गुजर जाने के बाद झाझा में डॉक्टर आया भी लेकिन डॉक्टर के आने से पहले श्रीकांत सिंह की सांसें थम चुकी थी। 2 घंटे की गैपिंग थी, उस समय में डॉक्टर नहीं मिला, ये मिल जाएगा क्वीन में, मेरे पापा बच जाते। लेकिन रेलवे के सड़े हुए सिस्टम का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। बलिया सियालदा एक्सप्रेस आसनसोल में देर रात पहुंची। रेलवे की पूरी व्यवस्था जो श्रीकांत सिंह के मौत के पहले सुस्त पड़ी थी अब अचानक चुस्त हो गई। श्रीकांत सिंह की बेटी और उनकी पत्नी को आसनसोल में जबरदस्ती उतार दिया गया। तर्क यह दिया गया कि बंगाल की सीमा शुरू हो चुकी है। आसनसोल में श्रीकांत सिंह की डेड बॉडी को वहां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन यानी 28 अप्रैल की सुबह डेड बॉडी के लिए श्रीकांत सिंह के बेटे रवि पहुंचे, तो उनके साथ क्या हुआ आप खुद सुनिए। अभी सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है उन डॉक्टर्स में। मैं वहां उनके सामने बैठा हूँ अपनी डैड की बॉडी के बारे में बात करने के लिए जिनकी सडन डेथ हुई है, और वहां 3-4 डॉक्टर मिलकर बस मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ। फिर उन्होंने मुझे एक उनका मॉर्चुरी है जो थोड़ा दूर है वहाँ उन्होंने भेजा, और वहाँ पे
चार पांच ऐसे ही जो लोकल लोग हैं बैठ के ताश खेल रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, और मुझे लगा नहीं कि वो हॉस्पिटल का हिस्सा है। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम के बाद बॉडी की सिलाई भी नहीं की थी और इसके लिए रवि से रिश्वत मांग रहे थे। कि बॉडी अंदर ऐसी कूड़े के बीच में पड़ी हुई मैंने देखी, मतलब आप देख सकते हैं प्लास्टिक के रैपर्स, पॉलीथीन पैक, सब सब बिखरा पड़ा है। उसके बीच में डैडी की बॉडी ऐसी पड़ी हुई है और वो कट ओपन है, अनस्टिच्ड। टेक्सास में रहने वाली श्रीकांत सिंह की बेटी साधना 29 अप्रैल को कोलकाता पहुंची। सोचा नहीं था एक हादसा जिंदगी को इतना बदल देगा। अब तो सिर्फ सवाल बचे हैं। सुरेश प्रभु जी से ये जनरली पूछना चाहूंगी कि जब हम लोग बजट वहां हम बैठ के इंडिया के न्यूज सुन सुन कर खुश होते हैं, हमारा देश तरक्की करने लगा, अब हमें ये सुविधा मिलने लगी, जब हमें जरूरत पड़ रही है वो सुविधा कहाँ है? जब श्रीकांत सिंह के घर वाले शिकायत दर्ज कराने जीआरपी थाने पहुंचे तो वहां भी सब कुछ बहुत मुश्किल था। एस प्रसाद, कमर्शियल मैनेजर ऑफ ईस्टर्न रेलवे, उसके पास हमें रेफर किया। हम उसके रूम में जाके बैठे हैं, उनसे हमने बात की और उन्हें बताया कि हमने रेलवे मिनिस्ट्री में ट्वीट किया है अराउंड 10:30 ये केस है। तो उसने हमें एक आदमी के पास भेजा जहां हमारा केस रजिस्टर हुआ, वो भी ना ऐसे ही कैजुअली ले रहा था, लेकिन उसको ना उसका असिस्टेंट बोला कि सी एस प्रसाद ने भेजा, इसका कंप्लेन लिख लो। तब जाके उन्होंने हमारा कंप्लेन रजिस्टर किया। श्रीकांत सिंह के घर वाले अब इंसाफ चाहते हैं ताकि जो उनके साथ हुआ दोबारा किसी के साथ ना हो। वो भी इसमें जिन्होंने भी मेरी माँ मेरी बहन की बात नहीं सुनी है वो उसके लिए लायबल हो। क्या रेल मंत्री ये गुहार सुन रहे हैं? हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो मेरे साथ गुजरा है वो और किसी के साथ कृपया करके ना गुजारें, क्योंकि 80% से ऊपर आबादी आपके ट्रेन में सफर करती है। आप रोज एक नया नया ट्रेन निकाल रहे हो, आप स्पीड ट्रेन दे रहे हो, आप मुझे बुलेट ट्रेन देने की बात कर रहे हो। जिस ट्रेन में जो चीज अभी जो मौजूद है उसको आप क्यों नहीं सुधार रहे हो? कोलकाता में फेलिक्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रेन में इस यात्री की मौत के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने नसीहत दी है कि केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की बजाय ट्रेनों में सुविधाएं बढ़ाए। प्रमोद तिवारी से बात की जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने। तिवारी जी, एक घटना हुई है कि ट्रेन में एक शख्स चढ़ा, उसकी मौत हो गई। 10-12 स्टेशन तक लगातार वो हेल्थ गुजारिश करते रहे, उसके परिवार को हेल्प की लेकिन हेल्प नहीं मिला। फाइनली उस शख्स की मौत हो गई और बाद में जब पोस्टमार्टम की स्थिति आई तो उसके परिवार वालों से पैसा मांग रहे थे रेलवे जहाँ पोस्टमार्टम किया गया उस जगह पर। क्या मानते हैं कि रेलवे की कितनी बड़ी नाकामी आई? देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ बुलेट ट्रेन छोड़ो, पहले सुविधा सुरक्षा का ध्यान रखो। पर मोदी जी हवा में चलते हैं, हवा में सोचते हैं। अब ये तो एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है, ये रेल प्रशासन की स्थिति का बयान करता है। जी न्यूज इस घटना को उसके अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेगा और हम ये भी मानते हैं कि अगर वक्त रहते श्रीकांत सिंह को मेडिकल सुविधा मिल जाती तो उनकी जान बच सकती थी।